फॉलो करो। आज नहीं तो कल खुलेगी। नमस्कार, आप सिरसा की ये तस्वीरें देख सकते हैं। गोपाल कांडा के महल को किसानों द्वारा चारों तरफ से ही घेर लिया गया है, तो ये गोपाल कांडा की तरफ से नाराज है, क्योंकि गोपाल कांडा निर्दलीय नेता होने के नाते इन्होंने समर्थन नहीं किया है, किसानों का समर्थन नहीं किया है, तो इसी से नाराज होकर किसानों ने गोपाल कांडा के महल का घेराव किया है। तो किसान नाराज है, ये बोल रहे हैं कि जो किसानों के हक में नहीं आएगा हम उसके महल या कोठी का घेराव करेंगे। तो आप किसानों की आवाज़ भी सुन सकते हैं। कार्रवाई वही है जो पिछले जुलाई से चल रही है। भारत सरकार ने जो 3 काले अध्यादेश काले कानून लिया के किसानों को बेकार जा कर दिया, हम लोग किसी काम का नहीं छोड़ा। हमारी किसानों की जो मौत के ब्रांड थे संसद ने वो पास कर दिए, उन्हीं के लिए हम ये रोज धरने जगह जगह पे कर रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं विजय, हमारे गोपाल कांडा जी आज़ाद उम्मीदवार हैं, बहुत दिनों से किसान सरसा में भी बैठे हैं, और आज़ाद उम्मीदवार का मतलब होता भी हो तो किसी पार्टी के साथ नहीं, सभी का साथ, तो चाहिए था इनको भी हमारे पास आते, ना कि हम इनके पास आते, मजबूरी बस हमें इनके पास आना पड़ा है। ये गोपाल कांडा जी हमारे पास धरने पे जाते, समर्थन देते, आज भी हम कहते हैं कि आप आज़ाद उम्मीदवार हो, तीनों काले कानूनों का किसानों के साथ बैठ के पुरजोर विरोध करो और हमारे साथ आओ, जहां हम बैठे हैं वहां चल के बैठो, इसके लिए हम बार बार मजदूर किसानों की तरफ से आंदोलन हो रहे हैं। और जो बीजेपी नेता मंत्री या विधायक अगर गांव में जाते हैं तो उनको काले झंडे दिखा दिए जाते हैं। तो कई प्रकार की समस्या बढ़ रही है। ये किसान ज़्यादातर तो ये 3 बिलों से नाराज़ हैं, क्योंकि जो ये 3 बिल आए हैं इनको वो काला कानून बता रहे हैं, ये किसानों के पक्ष में नहीं है। तो किसानों के ये 3 बिल आए हैं, अध्यादेश आए हैं, इनको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनको काला कानून बताया जा रहा है कि जो मंडी है वो प्राइवेट हो जाएगी और जो फसलों का दाम है वो किसानों को नहीं मिलेगा। इसीलिए बार बार यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। हरियाणा में काफ़ी दिनों ये लंबा आंदोलन चल रहा है और पूरे भारत में ये आंदोलन फैल चुका है। तो मजदूर किसान आढ़ती इसमें सभी सम्मिलित हो चुके हैं। कदे किसी MP के घर से जाना पैदा है, कदे किसी MLA के घर से जाना पैदा है, तो बड़े मनभागी गल है कि अज इन्हें ही मंत्रियों और MLA केंद्र दरकार और सेंटर दरकार ने जो हरियाणा दरकार ने जो साढ़े किसानों के प्रति, व्यापारियों के प्रति और मजदूर भावों के प्रति जो काले कानून बनाए हैं उन्होंने लागू भी कर दिता है, तो अब असं आपके हकों के वास्ते सारे भरा इकट्ठे हो गए, हर एक MLA और MP के घर से जावे और आपके वास्ते समर्थन मंगेंगे। हर तरह की न्यूज़ पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।